मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के क्लब में हाई क्लास पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी में कैसी नाम का बंदा भी मौजूद था, जिसका एक लड़की पर दिल आ जाता है। तो लड़की के पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है, तो वो लड़की भी कैसी से इम्प्रेस हो जाती है, जिससे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तो कैसी लेडी को अपना पास्ट बताने लगता है कि मैं यूएस में कुछ छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था, जिसकी वजह से मुझे यूएस छोड़ना पड़ा। तो जूलियट भी उसे अपना पास्ट बता देती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ यूएस में रहती थी, मगर मेरे पेरेंट्स असल में ड्रग डीलर्स थे, जिनकी वजह से पूरी फैमिली खतरे में पड़ चुकी थी, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी चली आई। तो ये दोनों एक दूसरे का पास्ट जानकर एक दूसरे से सिंपथाइज करने लगते हैं, पर जूलियट को अच्छे से पता है कि कैसी गैरन नाम के आदमी के लिए काम करता है, जो कि यहाँ का बिगेस्ट ड्रग डीलर है। तो वो कैसी की एडवांसेस को रिजेक्ट कर देती है, जिससे बेचारा कैसी काफी अपसेट था, जिसके बाद कैसी अपने बॉस के पास चला जाता है, जो कैसी को न्यू टास्क देने लगता है। पर अब कैसी गैरन के लिए काम नहीं करना चाहता, तो वो इस जॉब को ठुकरा कर यहाँ से चला जाता है, जहाँ वो सीधा जूलियट के पास जाकर उसे बता देता है कि मैंने अपनी क्रिमिनल लाइफ पीछे छोड़ दी है। तो जूलियट भी उसे डेट करने के लिए राजी हो जाती है और जल्द ही इन्हें कुछ ही दिनों में प्यार हो जाता है। तो अब कैसी जूलियट को अच्छी लाइफ देना चाहता था, तो वो नॉर्मल तरीके से पैसे कमाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गैरन हीगन नाम के आदमी से मिलने चला जाता है, जो कि जर्मनी का टॉप बिजनेसमैन था, मगर वो असल में एक ड्रग लॉर्ड है, जो कि गैरन को ड्रग सप्लाई करता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम गैरन को मिला हुआ है। तो इसमें गैरन को काफी रिस्क उठाना पड़ता है और अब वो हीगन के साथ बराबर की हिस्सेदारी चाहता है, मगर इसके लिए हीगन साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के आदमी नहीं हो, तो जैसे तुम मेरे लिए काम करते आ रहे हो वैसे ही काम करते रहो, वरना तुम किसी दिन बुरी मौत मारे जाओगे। तो ये जानकर गैरन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट बीमार पड़ जाती है, तो ये लोग डॉक्टर से चेकअप कराने चले जाते हैं, जहां इन्हें चेकअप पर पता चल जाता है कि जूलियट तो काफी ज्यादा बीमार है, जिसकी जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी, वरना वो इस बीमारी से कभी भी मर सकती है। तो ये जानकर कैसी काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि जूलियट ने इतनी बड़ी बात उससे छुपा रखी थी। तो लेडी उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर कैसी उसे माफ कर देता है। साथ ही उसे इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि वो इलाज के लिए इतने पैसे कहां से लाएगा, तो वो कुछ सोच कर गैरन के पास चला जाता है, ताकि वो इलाज के लिए पैसे बना सके, जो कि लीगल काम से बन नहीं सकते थे। तो गैरन उसे हीगन के बारे में बताने लगता है कि हीगन लॉजिस्टिक्स का बिजनेस चलाता है, मगर वो असल में जर्मनी का बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड है, जो हर 6 महीने बाद चीले से गोल्फ बॉल का शिपमेंट मंगाता है, जिन्हें फिर ट्रक से एक वेयरहाउस ले जाया जाता है, क्योंकि इन बॉल्स में हाई क्वालिटी ड्रग्स स्मगल किया जाता है, जिसके बाद ये सारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गैरन को दिया जाता है, जो इन ड्रग्स को बेचकर खूब सारा पैसा बनाता है, मगर इस सेल का ज्यादातर हिस्सा हीगन को चला जाता है, जिससे अब गैरन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अब वो इस सेल का आधा हिस्सा लेना चाहता है, जिसके लिए हीगन राजी नहीं हुआ है। तो अब गुस्से में गैरन हीगन का माल चुराना चाहता है। तो ये सब सुनकर कैसी को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जो कि सरप्राइजिंगली बिल्कुल सही थी, क्योंकि गैरन को इस चोरी के लिए एक टॉप क्वालिटी ड्राइवर की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यूएस में कैसी कार चुराया करता था, जिस वजह से वो टॉप क्लास ड्राइवर है, और इसी वजह से गैरन को उसकी जरूरत है। तो काफी सोचने के बाद कैसी इस चोरी करने के लिए राजी हो जाता है, तो वो घर जाकर अपनी डीलिंग्स के बारे में जूलियट को बता देता है, जो ये सब जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने लिए कैसी को खतरे में डालना नहीं चाहती, मगर अक्सर इंसान प्यार में टूचियापे कर बैठता है, और कैसी भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। जिसके बाद कैसी अपने पार्टनर मैथिस के साथ रॉबरी का प्लान बनाने लगता है, मगर मैथिस ने अच्छे से नशा कर रखा था, तो वो कैसी के प्लान पर ध्यान नहीं दे रहा था,
जज्बात पर कैसी बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही रॉबरी वाला दिन आ जाता है तो वो लोग फुल स्पीड में ट्रक की तरफ चले जाते हैं, जहां बाइक पर मैथिस भी उसे फॉलो कर रहा था। तो वो लोग एक जगह पर अपनी कार को रोककर बाइक से एक्सीडेंट करवा देते हैं, जो कि इनके प्लान का हिस्सा था। तो मैथिस जल्दी से कार में बैठकर इंजर्ड होने का नाटक करने लगता है और कैसी झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। और फिर ये लोग ट्रक के आने का इंतजार करने लगते हैं और जल्द ही हीगन का ट्रक यहाँ आ जाता है। तो कार एक्सीडेंट को देखकर ड्राइवर ट्रक रोक लेता है, तो मैथिस को ट्रीट करने के लिए वो फर्स्ट एड किट निकाल लेता है, मगर इस ड्राइवर की किट में मेडिसिन के बजाय गन रखी हुई थी, जो गन निकाल के सीधा मैथिस की कार पर गोली चला देता है, जिससे मैथिस की एतैसी हो जाती है। वेल, ट्रक ड्राइवर को इस रॉबरी प्लान के बारे में अंदाजा हो गया था, तो जब वो मैथिस को गोली मारने वाला था तब कैसी उस पर हमला कर देता है, जहां पर कैसी और मैथिस मिलकर इस ट्रक ड्राइवर को ठोक देते हैं। और फिर ये लोग जल्दी से ट्रक में लगे जीपीएस को निकाल देते हैं ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। साथ ही कैसी ड्राइवर की ड्रेस पहनकर ट्रक चलाने लगता है, क्योंकि कैबिन के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे हीगन की सिक्योरिटी हर टाइम ड्राइवर पर नजर रख रही थी। तो सिक्योरिटी के हेड को ड्राइवर पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने काफी समय से कैमरे की तरफ नहीं देखा है। तो सिक्योरिटी हेड को इस रॉबरी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उसे कैसी के मुंह पर खून दिख जाता है, जो कि ड्राइवर के मुंह पर होना नहीं चाहिए था। तो वो पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है, जो अगले ही स्टॉप पर इस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिससे बेचारे कैसी की भी बत्ती गुल हो जाती है। वहीं मैथिस भी अब काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कल रात से ही कैसी गायब हो चुका है, जिसके बाद हमें एक वेयरहाउस दिखाया जाता है, जहां पर कैसी को होश आ जाता है। तो यहां पर रखे माल को देखकर कैसी समझ जाता है कि ये वेयरहाउस हीगन को बिलोंग करता है, तो उसे डर लगने लगता है, मगर इस सब पर कोई भी ध्यान नहीं देता। साथ ही हीगन उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुमने किसके कहने पर ये चोरी की थी, क्योंकि तुम अकेले ये चोरी नहीं कर सकते। मगर कैसी उसके सवालों के कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर हीगन भी इरिटेट होने लगता है, जो कैसी को मारने की धमकी देने लगता है, जिससे ये बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हीगन को जूलियट के बारे में पता चल चुका है। तो वह जूलियट को न हर्ट करने के लिए हीगन से बैक करने लगता है, जिस पर हीगन ध्यान नहीं देता। और फिर कैसी का टॉर्चर चालू हो जाता है, जहां एक बैड गाय कैसी को अच्छे से रगड़ रहा था, मगर कैसी जैसे तैसे करके इस आदमी को इंजर्ड कर देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। पर सिक्योरिटी गार्ड्स को इस एस्केप के बारे में पता चल जाता है, तो वो कैसी पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर कैसी की किस्मत काफी अच्छी थी, जो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो वो जल्दी से जूलियट को कॉल लगा देता है, ताकि जूलियट टाउन को छोड़कर सेफ जगह पर छुप जाए। मगर जूलियट तो अब काफी ज्यादा भड़की हुई थी, क्योंकि कैसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, और अब वो फिर से क्राइम के रास्ते पर आ चुका है। तो वो कैसी की बातों को नजरअंदाज कर देती है, जो कि उसकी बड़ी गलती होने वाली है। तो ये जानकर कैसी भी काफी ज्यादा अपसेट था, तो वो जल्दी से जूलियट के डायरेक्शन में जाने लगता है। मगर हीगन की सिक्योरिटी वाले यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कैसी की कार को चेज करने लगते हैं, और इसी चेज में पुलिस भी बिना वजह मौज लेने लगती है, जो इन सभी की कारों को भयंकर तरीके से चेज करने लगती है, जिस वजह से कैसी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो बड़े शानदार तरीके से अपनी कार एक शॉप में घुसा देता है। तो बैड गाय यहाँ आकर कैसी को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी पुलिस वाले अपनी धमाकेदार एंट्री कर देते हैं, जो ठग के साथ साथ उसकी गाड़ी को भी उड़ा देते हैं, जिससे कैसी को भागने का मौका मिल जाता है। पर उसे भागने से पहले कार में हीगन का पैसा मिल जाता है, तो इन पैसों को पोटरे में बांध कर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो इन पैसों से जूलियट का इलाज करवा सकता है। मगर अब उसे पुलिस भी चेज कर रही थी, तो वह एक बैगर होने का नाटक करने लगता है, जिस पर पुलिस ध्यान नहीं देती। और फिर वो मौका पाकर न्यू कार चुरा लेता है, जिसे लेकर वो टाउन की डायरेक्शन में जाने लगता है, जहां पर जूलियट का इलाज चल रहा था। मगर उसे अभी भी जूलियट की फिक्र हो रही थी, तो वो गैरन को कॉल करके उसे बता देता है
कि हमारा रॉबरी प्लान फेल हो चुका है, मगर मैं हीगन के 5 मिलियन चुराने में कामयाब हो चुका हूँ। तो क्यों ना तुम कुछ समय के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करो, बदले में मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। तो गैरन एक ही बार में स्टील के लिए राजी हो जाता है, पर तभी यहाँ पर बैड गाइज आ जाते हैं, जिनसे डर कर कैसी अपनी कार को अंधाधुंध दौड़ाने लगता है, मगर ठग्स उस पर गोलियां चला रहे थे जिससे कैसी की कार की ऐतैसी हो जाती है। तो वो गुस्से में ठग की कार में टक्कर मार देता है जिससे ठग की कार ठुककर एक्सप्लोड हो जाती है, मगर यहाँ पर ठग्स की सेकंड कार भी मौजूद थी जिसमें बैठा टकलुक कैसी की कार के टायर्स को शूट कर देता है जिससे कैसी की कार का बैलेंस खराब हो जाता है। तो उसकी कार बीच रोड पर ही अल्टा पल्टी हो जाती है और इसी समय ठग्स की कार भी एक ट्रक में ठुक जाती है जिससे यहाँ पर तगड़ा वाला जाम लग जाता है। तो लोग अपनी कारों से बाहर निकलकर तमाशा देखने लगते हैं, मगर कैसी की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी जो इतनी गोलियों और कार एक्सीडेंट से भी जिंदा बच गया था। तो वो पैसों को एक बॉक्स में डालकर कार से बाहर निकल जाता है, साथ ही वो न्यू कार चुराने में कामयाब हो जाता है। पर तभी उसे मैथिस का कॉल आ जाता है जो कैसी को इन्फॉर्म कर देता है कि किसी ने तुम्हारे फ्लैट से जूलियट को किडनैप कर लिया है। तो ये सुनकर कैसी को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं है कि इस किडनैपिंग के पीछे गैरन और हीगन में से कौन हो सकता है। साथ ही उसकी कार का फ्यूल बीत जाता है तो वो रिफिल कराने के लिए एक गैस स्टेशन चला जाता है, मगर वो रिफिल करा कर यहां से निकल पाता उससे पहले ही ठग्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कैसी को पकड़कर मनी बॉक्स ले लेते हैं। तो बेचारे कैसी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और जल्द ही हीगन भी यहाँ पर आ जाता है जो बस अब कैसी को मौत के घाट उतारना चाहता था। पर तभी एक आदमी इन पर अपनी शॉटगन तान देता है जिसे देखकर हीगन बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो वो मौके का फायदा उठाकर इस आदमी को गोली मार देता है। तो ये देखकर कैसी काफी ज्यादा दुखी था कि उसकी वजह से एक इनोसेंट सिविलियन इस सब में इन्वॉल्व हो चुका है, मगर हीगन उस पर ध्यान नहीं देता जो अब कैसी को मारने के लिए रेडी हो चुका है, पर कैसी उसके सामने स्माइल करने लगता है जिस पर हीगन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये लड़का मरने से पहले स्माइल क्यों कर रहा है। तो कैसी उसे क्लियर कर देता है कि मेरा रॉबरी प्लान फेल नहीं हुआ था, साथ ही मैं तुम्हारा माल लूटने में भी कामयाब हो चुका हूँ, तो क्यों ना हम इस मार्केट के बजाय बैठकर सौदा करें। पर उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही क्लर्क को होश आ जाता है जो अपनी शॉटगन से एक ठग को उड़ा देता है। तो बैड गाइस उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर कैसी यहां से भाग जाता है, साथ ही वो मनी बॉक्स को चुराने में भी कामयाब हो चुका था। और तो और उसे गैरन से भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसके आदमी जूलियट को लाने में कामयाब हो चुके हैं। तो कैसी ये सुनकर राहत की सांस लेने लगता है और फिर वो सीधा गैरन के पास चला जाता है जहां वो गैरन को मनी बॉक्स दे देता है, इस बात से बेखबर कि ठग्स भी यहां पहुंच चुके हैं जो हीगन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो लड़का गैरन के लिए काम करता है। वहीं कैसी जूलियट से मिलने की डिमांड करने लगता है तो गैरन अपने आदमी को इशारा करके जूलियट को यहाँ बुला लेता है, मगर लड़की को देखकर कैसी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ये लड़की जूलियट नहीं थी, यानी गैरन किसी गलत लड़की को उठा लाया है। तो कैसी गैरन को गालियां देने लगता है जो बात गैरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो कैसी पर अपनी गन तान देता है, पर तभी यहाँ पर ठग आ जाता है जो गैरन और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार देता है, साथ ही वो कैसी को एक जगह बांधकर टॉर्चर करने लगता है, मगर गॉड जी कैसी की तगड़ी तरह से हेल्प कर रहे थे जो हर बार मुसीबतों से बाहर निकल जाता है और इस बार भी कैसी खुद को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है जो एक ही हुक से बैड गाय को मौत के घाट उतार देता है। साथ ही वो मनी बॉक्स लेकर जूलियट को ढूंढने जाने लगता है, पर तभी उसे हीगन का कॉल आ जाता है जो कैसी को धमकाते हुए उसे वार्न करने लगता है कि जल्दी से मेरा माल और पैसा लौटा दो वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो कैसी हीगन से डील करने लगता है कि मैं तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें लौटा दूंगा, बस तुम जूलियट को हर्ट मत करना, जिसके लिए हीगन भी राजी हो जाता है। तो कैसी डील के लिए एक बार चला जाता है,
इस बात से बेखबर कि गैरन अभी भी जिंदा है, जो कार के जीपीएस को ट्रैक करके उसे फॉलो करने लगता है। वहीं कैसी मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे जूलियट भी मिल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, मगर इनके हैप्पी रोमांस को इंटरप्ट कर दिया जाता है, जहां हीगन अपने माल की डिमांड करने लगता है। पर तभी यहां पर गैरन आ जाता है, जो हीगन पर गन तान कर उसके सामने बैठ जाता है। और अब तक पुलिस भी यहां आ चुकी थी, तो पुलिस को यहां देखकर हीगन को समझ आ जाता है कि पुलिस को बुलाने के पीछे कैसी का हाथ है, क्योंकि उसने पुलिस के साथ सौदा कर लिया है। और इसी समय पुलिस वाले बार पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिससे इन सब की अच्छे से चटक जाती है। मर कैसी जूलियट को लेकर बैकडोर से निकल जाता है, और यही हाल हीगन और उसके सिक्योरिटी का था। मगर इस समय गैरन को गोलियों से भून दिया जाता है। वहीं हीगन का सिक्योरिटी कैसी को चेज करने लगता है, ताकि वो हीगन के पैसों को रिकवर कर सके। जिस दौरान ये लोग एक सबवे तक पहुंच जाते, जहां कैसी लेडी को सारा मांजरा बता देता है। पर तभी यहां पर ठग आ जाता है, जो ऊपर गोली चलाकर भीड़ को तितर बितर कर देता है। तो इसी दौरान कैसी मनी बॉक्स को जूलियट के हवाले कर देता है, जो बड़ी चालाकी से ट्रेन के अंदर एंटर कर जाती है। तो जब ठग कैसी को मारने वाला था, तभी यहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो इस ठग को गोलियों से भून देते हैं, जिससे बेचारे कैसी की जान बच जाती है। मगर पुलिस वाले उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कैसी का इंटरोगेशन किया जाता है। तो कैसी अथॉरिटीज के साथ सौदा करने लगता है कि मैं जर्मनी के बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड को एक्सपोज कर सकता हूँ, साथ ही मेरे पास हीगन के खिलाफ हार्ड एविडेंस है, जिससे तुम हीगन के खिलाफ अच्छा केस बना सकते हो। तो ऑफिसर उसकी बातों में इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो हमें कैसी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रॉबरी से एक दिन पहले ही कैसी ने हीगन का एक ट्रक चुरा लिया था, जिसका ट्रेलर फिर उसने ड्रग वाले ट्रेलर से चेंज कर दिया था। तो ड्रग वाले ट्रेलर को मैथिस ने ठिकाने लगा दिया था, और फेक वाले ट्रक को कैसी चला रहा था, जिससे वो रॉबरी करने में कामयाब हो गया था। साथ ही उसने ऐसा करके हीगन और गैरन को बेवकूफ बना दिया था। तो ये सब जानकर ऑफिसर डील के लिए राजी हो जाता है। तो नेक्स्ट डे काफी सारी पुलिस हीगन के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां से वो हीगन को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही डील के तहत कैसी को भी आजाद करा दिया जाता है। तो वो हीगन के लूटे हुए 5 मिलियन में से जूलियट का इलाज करवा देता है, जिससे इनकी हैप्पी लाइफ चालू हो जाती है। साथ ही वो चोरी का आधा पैसा मैथिस को भेज देता है, क्योंकि उसने भी इस चोरी में काफी रिस्क लिया था। तो इतना पैसा देखकर मैथिस भी काफी ज्यादा खुश है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।